नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के पास एक आप लोगों के साथ मैंने एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इफेक्टिव इफेक्टिव है और इसको बहुत ही सिंपल भी है। इसको आप लोग भी ट्राई कर सकता है। इसमें फर्स्टली मैंने ये जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है, पिवट पॉइंट का ये मैंने स्टैंडर्ड और फिबोनाची, ये फिबोनाची मैंने किया है। और इसके बाद मैंने जो लगाया ये वॉल्यूम प्रोफाइल लगाया, इधर वॉल्यूम प्रोफाइल और 10 का मूविंग एवरेज का जो डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इधर से लगाना है। ये लगा के आप लोग ये आ जाएगा, ये वाला वायलेट जो लाइन है, ये इसका ये लाइन है सुपर ट्रेंड, इसमें है 7 और 1.3। और इसका मैंने पहले भी स्ट्रेटजी बनाया था, ओसम इंडिकेटर है ये वाला, देख सकते हैं, और विलियम्स परसेंटेज आर ये वाला, और आरएसआई का 7 पीरियड मैंने रखा है और 60 और 40 का मैंने रखा है। स्ट्रेटजी इसको मैंने देखे पहले भी वीडियो बनाया था। और ये जो 20 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको आरएसआई के अंदर मैंने क्लोजिंग, ये आरएसआई का अंदर क्लोजिंग हुआ है। और बीडब्ल्यूएपी है और ये वैल्यूएशन लाइन से आप लोग दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में काम में आता है। और ये जो एलिगेटर का जो इंडिकेटर है, इसमें देखिए, इसको जो नीला वाला लाइन है उसको मैंने एक्टिवेट करके रखा है, और ये जो ब्लू और रेड इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। तो स्ट्रेटजी ऐसा है कि जब भी ये 10 का जो डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग है, 10 का डीमा, ये जब एलिगेटर का जो ये ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा उसी समय हम लोग ट्रेड ले सकता है, प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड, लाइक आरएसआई 20 के ये जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग आ रहा जाए आरएसआई लाइन उसका ऊपर होना चाहिए और 60 का ऊपर होना चाहिए। और सोच लीजिए इधर इस में क्रॉस किया है, तो ये जो इसमें जो क्लोजिंग है एक नेक्स्ट कैंडल का बॉडी इसको एक इसका क्लोजिंग को क्रॉस करना चाहिए। और वॉल्यूम प्रोफाइल भी नेक्स्ट वॉल्यूम प्रोफाइल जो जिसका ये जो बार है, वॉल्यूम प्रोफाइल एक टाइम आ जाता है, तो वॉल्यूम प्रोफाइल का बार भी इसका नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहिए। मतलब ये इस स्टेप में था तो इसका नेक्स्ट इसको इस स्टेप को वॉल्यूम प्रोफाइल इस बार को क्रॉस करना पड़ेगा। तो इधर आप लोग स्ट्रेट ले सकता है, इधर देखिए आप लोग 11,243 में लेते थे, तो इधर 11,258 तक निफ्टी फ्यूचर गया है। तो इंटरडे में ये खूब बहुत खूब ठीक ही है। और एलिगेटर का और एक बात है, इधर जो फ्रैक्टल है इसको आप लोग एक्टिवेट कर देंगे, 100 फ्रैक्टल्स। तो इसमें क्या होता है, आप लोग इधर देखिए, इधर जब ये फ्रैक्टल आ जाता है तो इसमें एक्चुअली ट्रेड एंट्री नहीं लेने से ही अच्छा होता है। तो इधर जब फ्रैक्टल आ जाएगा तो आप उधर इसको क्रॉस करने के बाद ही ट्रेड लेना अच्छा है। तो इधर देखिए ऐसे ही इधर आप लोग इधर से ये आप लोग टारगेट स्टॉप लॉस भी रख सकता है। इधर भी देखिए क्रॉस किया है और इधर आरएसआई भी नीचे आया है, ओसम ऑसिलेटर रेड हुआ, ओसम ऑसिलेटर रेड होना चाहिए और ये एटलीस्ट 50 के नीचे होना चाहिए। ये देखिए इधर 50 विलियम परसेंटेज और 50 के नीचे होना चाहिए। तो इधर सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और ये जो ये इसमें ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल का ये जो बार है, ये जो बार है इसका बार के नीचे आया है, तो इसमें हम लोग इतना तक हम लोग एक ट्रेड ले सकता है। तो ये टारगेट हम लोग को इधर से 213 में हम लोग को एंट्री बनेगा और इधर